जहां भी पहलवान लुटकी है उसको वहां से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के और हमारा कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा है, पीडीपी से ज्यादा है, पीसी से ज्यादा है। मकसद है वो हमारा रोजगार है, जिसको एनसी वाले, पीडीपी वाले, चाहे कांग्रेस वाले, वो उसे छीन ले लेते हैं उसका। अशोक कौल जी अकाश पार्टी जिंदाबाद आमुत बंद कर ये मे मोज बन फाख पस मरने खुद तैयार। मैं आपके साथ जो आपको कठिनाई है, जो आपको प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। और जहां भी वो फाइल अटकी है, जहां भी फाइल लुटकी है, उसको वहां से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की पार्टी सोनावाड़ी में मौजूद है और हमारी टीम यहाँ मौजूद है और हमारा कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा है, पीडीपी से ज्यादा है, पीसी से ज्यादा है, आपको खुद दिखाई दे रहा है। हमारी कई कमजोरी नहीं है, जो नई टीम यहाँ तश्कील हुई है, एक इंकलाब आएगा और वाणीपुरा कुरेज और सोनावाड़ी तीनों सीटें आपको असेंबली में जीत के दिखाएंगे। और यहाँ पर आप आए तो आज इलेक्शन का मौसम है तो एक रह गया कल और फिर 5 तारीख को हमको वोट डालना है। मैं अपने अपने जो हमारा इस वक्त श्री अशोक गोल जी आया है, इसको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर कि जो सबरपुरा के लोग है इन्होंने एक प्रॉमिस किया है यहाँ पे कि इंशाल्लाह आपके सीट हम जिता के देंगे। ऐसा है कि देखिए हम तो यही कह रहे थे अपने भाषण में भी, मैंने कहा हमारे लोगों से कि ये जो पुरानी सरकारें हैं इन पुरानी सरकारों ने, वो चाहे एनसी की है, चाहे पीडीपी की है, चाहे कांग्रेस की है, इन्होंने लोगों का कोई भला नहीं किया। इन्होंने अपने घर भरे, अपने परिवारों को भरा, लोगों को फ़ायदा मिले इसकी उनकी कोई चिंता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए है। मैंने कहा यहाँ कि हमारे मोदी जी ने कहा 2014 में ही मेरी सरकार गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, माताओं बहनों की सरकार है। और मोदी जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा, इस प्रकार की सरकार है। इन्होंने हमारे सामने ये मसला लाया है, हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी ये मसला है, हम इस मसले को उठाएँगे और बिल्कुल इनके साथ इनको न्याय मिले, इनको हक मिले, उसके लिए हम कोशिश करेंगे ज़रूर। को देखिए बीजेपी का तो अभी शुरुआत है, आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में इतने उत्साह के साथ यहाँ इतने लोग आए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपना मन बनाया है, इसलिए इस कार्यक्रम में आए थे। मुझे लगता है कि बीजेपी की शुरुआत है और शुरुआत शायद इसी हाजिन ए के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो जाएगी। ये हाजिन ए की कॉन्स्टिट्यूएंसी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपको याद होगा कि हमने 3 DDC के कॉन्स्टिट्यूएंसीज पिछले चुनाव में भी जीते हैं। हमने तुलेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती, हमने पुलवामा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती, हमने श्रीनगर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती है और ये हमारी 4थी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी की। कहते हैं कि हाफ डन वो तो वेल बिगिनिंग होता है, हमारा ये पूरा ये होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार से यहाँ लोगों का हमें मिला है उसके साथ हम इस बात को मानते हैं कि हम यहाँ से इस सीट को जीत जाएं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।